मीडिया डिबेट में अक्सर बीजेपी नेता विपक्ष पर हावी होते दिखाई देते हैं, पर आज की इस वीडियो में बात उन मीडिया डिबेट्स की करेंगे जिनमें बीजेपी नेता या मीडिया एंकर को विपक्षी नेताओं ने उनके बार बार टोकने पर फटकार लगाई हो। जी न्यूज पर एएमयू कंट्रोवर्सी पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने गेस्ट से कुछ सवाल किए जिस पर गेस्ट ने जवाब दिया और पत्रकारिता पर सवाल भी उठाए, जिस पर एंकर और गेस्ट के बीच तीखी बहस हुई। तंकी के मरने पर मातम बनाए और कल्याण सिंह के शोक संदेश पर फतवा जारी करें, मेरी नजर में कट्टरपंथी हैं। सुनिए जी, आइंदा इन अल्फाजों का नहीं, मैं बोलूंगा, आइंदा मुझे वार्निंग मत दीजिएगा, मैं ताट ठोक के बोलता हूं। आतंकी मन्नान वानी के मरने पर मातम बनाने वाला कट्टरपंथी, आतंकी मन्नान, अरे सर, आतंकियों की दलाली से बेहतर है देश की दलाली करना। हाँ। आतंकियों की दलाली से बेहतर है देश की दलाली करना। आप दलाल पत्रकार हैं, हूँ, मैं हूँ देश का दलाल पत्रकार। आतंकियों की दलाली से बेहतर है भड़वा पत्रकार। आतंकियों की आपकी भाषा बता रही है, आप कौन है? शर्म नहीं आती आपकी भाषा बता रही है? बताने की जरूरत नहीं, आप कहाँ से जुड़े हैं? अपनी भाषा, मैं बोल रहा हूँ, मैं हूँ आतंकियों का दलाल होने से बेहतर है देश का दलाल होना। इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना मत करना। मन्नान वानी के मरने पर जो मातम बनाए वो कट्टरपंथी। आइंदा सर नहीं, मैं बोलूंगा, आइंदा नहीं, मैं दोबारा बोलूंगा, मैं ताल ठोक के बोलूंगा। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित राज्यपाल रहे। अमृत महोत्सव में पोस्टर विवाद पर डिबेट हुई। इस डिबेट में बीजेपी नेता विपक्ष पर इल्जाम लगाने लगे, पर जब विपक्षी प्रवक्ता ने उनके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो वह बौखला उठे। एडविन के तलवे चाटते हुए, मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं, आप इतना क्यों नाराज हो गए? एडविन शुक्ला जी, आप अपनी ही बात काट रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आजादी में नेहरू जी का योगदान था, प्रधानमंत्री ने भी उस योगदान को माना, तो आप नेहरू क्यों पकड़ते हैं? अरे वाजपेयी किसके घर में इंदिरा गांधी किसके घर में रहती थी? भाई मैं, मुझे तो इंदिरा गांधी किसके घर में रहती थी? प्रेम शुक्ला जी, गांधी किसकी प्रेमिका थी? आज का मैं तो मोदी साहब के भी साथ सवाल उठा दूंगा। और प्रियंका चोपड़ा वहां पर कहां पर मिली थी वो भी बता दूंगा मैं। स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी। अफगानिस्तान के मुद्दे पर आज तक पर डिबेट हुई। इस डिबेट में बीजेपी नेता ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करनी शुरू की तो अपने जवाब में कांग्रेसी प्रवक्ता ने बीजेपी नेता को चुप करवा दिया। काबुल में एक दृश्य दिखाई पड़ रहा है, ऐसे दृश्य आपको कहीं अफगानिस्तान में दिखते हैं, कभी इराक में दिखते हैं, कभी सीरिया में दिखते हैं, कभी लीबिया में दिखते हैं। इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, ऐसे दृश्य आपको मुस्लिम कंट्रीज में ही क्यों दिखते हैं? इस पे विचार करने की जरूरत है। जो भारत के अंदर भी उसी में इस प्रकार के विचारों का समर्थन करने वाले लोग दिखते हैं। भारत को ये मूल्यांकन करना चाहिए कि विदेश नीति में हमने क्यों ऐसी कमी छोड़ दी। एक जो अलाइनमेंट बना, अभी हमारा ऑल वेदर अलाई था रशिया, उसकी अगुवाई का ट्रोइका एक संघ है, उसने हमको बाहर कर दिया। सिर्फ आप जानती है उसमें अमेरिका है, उसमें चाइना है, उसमें रशिया है, और प्लस करके उन्होंने तालिबान को, अफगानिस्तान को इन्वॉल्व किया। इधर अमेरिका 15 अगस्त को 125 देशों का एक मैसेज देता है विश्व भर को और कहता है अफगानिस्तान में हमारे देशों के जो लोग हैं, एम्बेसी के लोग हैं और हमारे नागरिक हैं, वो हर हाल में सुरक्षित आने चाहिए। उसमें से भारत को बाहर किया जाता है, खुद सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट करते हैं। तो हमारी परिस्थितियां कहां है, इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए। नवजोत सिद्धू के बयानों के मुद्दे पर न्यूज नेशन पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर एक एक कर कांग्रेस पार्टी पर निशाने साधते हुए सवाल पूछे, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने भी करारे जवाब दिए। सलाहकार मंडली जो है वो इंदिरा गांधी जी की तुलना बाबर से कर रही है कि कहां से सलाहकार पाए, कहां से ढूंढ के लाए सिद्धू जी, कौन सी टॉर्च का इस्तेमाल किया इन्होंने? आप जानते हो कि मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। सलाहकार क्या होते हैं? किसी चैनल में कोई स्ट्रिंगर की तरह होता है, आउटसाइडर। स्ट्रिंगर ने कुछ किया, मैं आपसे तो प्रश्न पूछ नहीं सकता। सलाहकार फिर भी आप पूछ रही है, आपका अधिकार है। मैं कहता हूं जैसे अहमद पटेल जी सोनिया गांधी जी के सलाहकार थे, अब आप बाहर से पकड़ना है तो कोई क्या करेगा? करेक्ट सर, लेकिन इसमें एक अंतर है। जितिन जी और अहमद पटेल जी कांग्रेस के सदस्य थे, राज्यसभा और लोकसभा के, अपने अपने समय पे वो मेंबरान थे। ये लोग नहीं है, ना एमएलए, ना एमपी है, ना कांग्रेस के सदस्य है। किस फिलहाल फिर भी जो उन्होंने कहा गलत कहा, जैसे आशुतोष ने कहा, कांग्रेस के एमएलए ने कहा, बाकी लोगों ने कहा, हरीश रावत जी ने कहा, मैं कह रहा हूं कांग्रेस में ये है कि कोई गलती हुई, कांग्रेस उसे स्वीकार करते कहती है गलत है। बीजेपी कब कहेगी कि गलत है? जिस तालिबान के बारे में आप बात करते हो, अजीत डोवल ने उनके पास लोगों को टेररिस्ट छोड़कर आए, कब मानेंगे अजीत डोवल गलत है? आप इन डिबेट को देखकर जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए पंजाब टुडे के साथ।
If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.